लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेधावियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। सरकार ने पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने वाले 147 मेधावियों को 1-1 लाख रुपए और आईपैड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम आने वाला था तो मैं भयभीत था, क्योंकि उससे पहले बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था। उत्तर प्रदेश के जब माध्यमिक शिक्षा के परिणाम जब आने थे तो मैं एक बार तो भयभीत था, और मुझे भय इस बात को लेकर लगा क्योंकि इससे ठीक पहले बिहार माध्यमिक शिक्षा का परिणाम सामने आया था। तो मैंने दिनेश जी से कहा, मैंने कहा भी परिणाम आपका कब आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि 9 जून को परिणाम आएगा। फिर मैंने अपर मुख्य सचिव से कहा, मैंने कहा भाई परिणाम माध्यमिक शिक्षा का कब आएगा, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग 19 मार्च को सरकार में आने के बाद जब समाचार पत्रों में हम लोगों ने पढ़ा कि नकल हो रही है, तो उस नकल को रोकने के लिए जब अभियान चलाया गया तो उस समय मुझे इस बात की आशंका थी कि लगता है कि बिहार की पुनरावृत्ति यहाँ हो जाएगी। योगी ने साथ ही कुछ राज्यों में बालिकाओं की संख्या कम होने पर चिंता जताई और कहा कि बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद भी भ्रूण हत्या हो रही है। बालिकाओं ने हर क्षेत्र में बहुत मेहनत की है, प्रगति की है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर सम्मानित होने वाले सभी अपने प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और यही कहूंगा कि जीवन में कभी शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाना। मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। मुझे लगता है एक मूल मंत्र हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए लॉगिन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।